और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो हूँ बहुत अच्छी। और आज फिर उसी बर्फीली वादियों में निकल चुके हैं हम। वीडियो पहले वाला काफ़ी लंबा हो जाता अगर मैं उसको ये वाले वीडियोस भी ऐड कर देती। एक्चुअली डे एक ही है बट वीडियो बहुत ज़्यादा थे, छोटे छोटे स्किप करके बनाए हुए थे, तो अभी आप लोग स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। काफ़ी एडवेंचर वाला होने वाला है, बहुत काफ़ी एडवेंचर हम लोग भी कर रहे हैं, इतना रिस्क लेके जा रहे हैं घर। वैसे हम एक और रास्ता भी है जहाँ से हम जा सकते थे बट वो बहुत लंबा रास्ता है। हमने क्या किया कि हम इसी रास्ते से निकल गए। हमने सोचा कि चलो कुछ एक पैचेस ऐसे हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होगी, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल साफ़ होते हैं, तो हम निकले तो बर्फ़ तेज होती जा रही थी, कहीं तेज लग रही थी कहीं पे हल्की थी। बट ये था, हमें निकलना ही था घर की तरफ, क्योंकि दो तीन दिन से ऐसे ही डिले करे जा रहे थे कि हाँ घर जाना है, निकलेंगे। और आज फाइनली निकल चुके थे और शिमला में थी धूप, और शिमला से 8-10 किलोमीटर आगे जो एरिया आता है कुफरी, वहाँ पे हो गई थी बर्फ़बारी शुरू। और जैसे हम निकले, पहले तो रोड बिल्कुल साफ़ दिखाई दिया। ये होता है कि बर्फ़ अगर हल्की हल्की लगी हो और हम चले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ लोग गाड़ियाँ फंसा देते हैं रास्ते में, फंसा इन द सेंस कि गाड़ियाँ ऐसी वो कर देते हैं, पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। कुछ टूरिस्ट आते हैं, उन्हें हिल स्टेशन में गाड़ी चलाना थोड़ा दिक्कत भरा होता है। और बर्फ़बारी शुरू हो गई थी काफ़ी तेज़, और जैसे लोकल लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, घर से थोड़ा कम निकलते हैं क्योंकि बर्फ़बारी है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। और हमने भी काफ़ी गलती कर दी घर से निकल के, और गाड़ी में हवा ज़्यादा थी जिसकी वजह से गाड़ी के टायर स्किट हो रहे थे। तो बेटा और हस्बैंड क्या कर रहे थे, गाड़ी के टायर्स की हवा कम कर रहे थे ताकि गाड़ी स्किट ना करे, क्योंकि हल्की बर्फ़ में गाड़ी स्किट होती है। यहाँ पे भी देखो ये लोग खड़े हैं, इनकी गाड़ी स्किट हो रही थी तो इन्होंने यहीं पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी, आगे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि ये भी टूरिस्ट थे। और ऐसे ही छोटे छोटे पैचेज़ में आगे जाकर क्या था कि लोग खड़े थे, गाड़ियों को रोक के हवा कम कर रहे थे, कुछ गाड़ी चढ़ा नहीं पा रहे थे, तो ऐसे ही गाड़ी उन्होंने खड़ी करके रखी थी। तो देखो ये वाले भी अपनी गाड़ी की हवा निकाल रहे हैं। मैक्सिमम जो टूरिस्ट लोग हैं उनको, जैसे लोकल लोग होते हैं, वो गाइड कर रहे थे कि आप ऐसा करो गाड़ी की हवा कम करो ताकि गाड़ी स्किप ना करे, अगर आपको नहीं, आपसे नहीं चलाई जा रही है, आप साइड में खड़ी कर दो, शाम तक थोड़ा मौसम साफ़ हो जाएगा तो आप वहाँ से निकल सकते हो। पर कई लोग रिस्क ले लेते हैं हमारी तरह और कुछ नहीं रिस्क लेते। जैसे हम लोगों को थोड़ा आइडिया भी होता है बर्फ़ में गाड़ी चलाने का, पर ऐसे मौसम में सारे आइडियाज़ फेल हो जाते हैं जब कुछ मुसीबत आनी होती है। और जब भी आप बर्फ़बारी में जाएँ तो उसमें ब्रेक ना लगाएं और पहले या दूसरे गियर में चले, हो सके तो पहले गियर में ही चले। ज़्यादा अगर आप दूसरे या तीसरे गियर में चलोगे तो एकदम से ब्रेक नहीं लगी तो नहीं लगेगी। पहले गियर में ऐसा होता है कि आप आराम आराम से गाड़ी को निकाल सकते हो। और बर्फ़बारी ऐसी थी कि मतलब जो पीछे के शीशे भी थे, बैक साइड का जो शीशा होता है गाड़ी का, उससे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बर्फ़ जम चुकी थी और उसमें पीछे वाइपर्स नहीं लगे हैं। और यहाँ पे भी एक भैया थे, उनको भी मैं बोल रही थी कि मैं भैया आपको पहले हवा निकाल देनी चाहिए थी, हमने निकाली थी जिसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम आई। और ये साल की पहली बर्फ़बारी है और इस थोड़ी सी बर्फ़बारी ने सबको बड़ा परेशान कर दिया, इतना ट्रैफिक जाम है, गाड़ियाँ स्किट हो रही हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ के ट्रक फंस गया एक जिसकी वजह से गाड़ी आगे नहीं जा पा रही है। तो हस्बैंड और देखो यहाँ पे एक भैया हैं,
गाड़ी की हवा निकाल रहे हैं, क्योंकि जितनी कम हवा होगी टायरों में उतनी गाड़ी सेफली निकल सकती है बर्फ़ में से, क्योंकि जितनी कम बर्फ़ होती है ना उसमें स्किट होती है गाड़ी। तो ये देखिए हवा निकाल रहे हैं और पीछे जाम, और आगे भी इसी तरीके का जाम है। देखिए हस्बैंड खड़े हैं वहाँ पे फेरन पहन के, हल्की हल्की बर्फबारी है बट काफ़ी ख़तरनाक होती है ये वाली बर्फबारी। तो ये देखिए गाड़ियाँ लाइन में लगी हैं यहाँ पे, कुछ लोगों ने तो पैदल चलना शुरू कर दिया। ये गाड़ी को धक्का दे रहे हैं क्योंकि गाड़ी चढ़ नहीं रही, चढ़ाई में स्किट हो रही है गाड़ी। और बैक साइड कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बर्फ़ जम गई है गाड़ी में, सिर्फ लाइट दिखाई दे रही है गाड़ियों की। एक और आ गई गाड़ी जिसको धक्का लगा के चढ़ाया जा रहा है, ये देखिए। देखिए इसका सोने का तरीका के अरे यार बाइक वाला भी चला है ऐसी बर्फ में और ये पुलिस वाले भी परेशान, अब इनकी ड्यूटी शुरू है दो महीने इनको भी इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये देखिए पूरा ट्रैफिक को खोलने के लिए, हर साल इसी पॉइंट पे बर्फ़ जम जाती है। तो जो PWD वाले क्या होते हैं, JCB के साथ या ट्रक होते हैं इनके पास, उससे बर्फ़ पर या रेत या मिट्टी डालते हैं तो उससे गाड़ी थोड़ी बच जाती है स्किट होने से। ऐसा हमारे साथ कई बार हो चुका है, हम जब घर से निकलते हैं तो मौसम साफ़ होता है और एकदम से बर्फबारी शुरू हो जाती है, जो कुफरी वाली जगह होती है, कुफरी या नारकंडा में जैसी सर्दी का टाइम होता है और जगह बारिश होने लगती है, और नारकंडा में और कुफरी में बर्फबारी शुरू हो जाती है। तो फिर यहाँ पे भी इनके टायर घूम रहे हैं तो ये गाड़ी स्किट हो रही है। जब तक यहाँ पे रेत या मिट्टी नहीं डालेंगे ये गाड़ी स्किट होती रहेगी, क्योंकि बिल्कुल जम चुका है नीचे बर्फ़। और ये टूरिस्ट थे, इनसे तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाई जा रही थी, इन्होंने तो एक जगह बीच में खड़ी कर दी, ना आगे ना पीछे, तो पीछे काफ़ी गाड़ियों की लाइन लग चुकी थी। वाह बर्फबारी के बाद का और यहाँ बैठी है, देखो कोयल पेड़ में जाके कोयल बैठी है, उड़ गई। पर ये देखिए सुंदर तो लग रहा है, सिर्फ देखने में सुंदर लगता है, अगर इसमें जाना पड़े तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, तो जो मर्जी बोलते हैं, कोयल दिखा रही है आपको, बड़े मज़े ले रही है बर्फ़ के बीच में, ऊपर टॉप पे जाके बैठी है ये लोग। बड़ी धीमी गति से चल रही है गाड़ी, जीरो स्पीड भी नहीं बोल सकते, जीरो से जीरो स्पीड हुई है अभी। और इतनी लंबी लाइन है, जितना मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ उसके पास से जो रोड निकला है ना, वहाँ पूरी लंबी लाइन लगी है ट्रैफिक की। ये देखिए पीछे पूरे पेड़ भर चुके हैं, मेरे पास है आपका फोन, पूरे पेड़ भर चुके हैं बर्फबारी से। और जो टूरिस्ट है वो इंजॉय करने के लिए आते हैं बट वो डर भी जाते हैं जब यहाँ का बर्फ़ देखते हैं ना, तो डर भी जाते हैं जब उनसे उनको गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ आके थोड़ी हल्की हो गई है बर्फबारी बट जाम वैसा ही लगा है। और ये देखिए ये भैया ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए, भाई आगे कितना जाम है, यहाँ पे जो लोकल लोग भी होते हैं वो भी वॉलंटियर बन के पूरी हेल्प करते हैं लोगों की। ब्रेक क्यों मारते यार, राम से राम से राम से, शाबाश शाबाश, खींचो खींचो खींचो, चलो। पर यहाँ पे बर्फ खत्म हो गई, ये है फागू, फागू के पास जो ट्रैफिक होता है वो हमेशा ऐसा ही रहता है। और यहाँ पर बर्फबारी बड़ी गंदी होती है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जो रोड है ना बहुत ही फिसलन वाला है। और ये देखिए यहाँ पे बर्फबारी है और सामने वाली पहाड़ी है ना उसमें कोई बर्फबारी नहीं है, बिल्कुल खाली पहाड़ियाँ हैं नीचे। माता रानी की कृपा हम पर बनी रही और हम इस जगह पर सेफली पहुंच चुके हैं। और मैंने वहां बीच उसके बाद मैंने माता रानी के मंदिर के बाद कोई वीडियो शूट नहीं किया और शूट यहां पे आके किया नारकंडा में आके। तो नारकंडा भी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां पे बर्फबारी
हो जाती है जैसे ही हल्की सी बारिश होती है, और काफ़ी ठंडा मौसम रहता है यहाँ पे। गर्मी, सर्दी, बरसात जब भी हो आपको स्वेटर पतली सी डालनी ही पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवाएं चलती है और चारों तरफ यहाँ देवदार के पौधे हैं, पेड़ हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ठंडा मौसम रहता है। पर यहाँ पे फैसिलिटी हर चीज़ की है, खाने पीने से लेकर रहने तक का हर चीज़ का यहाँ पे इंतज़ाम होगा आपको। गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस और यहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट सब कुछ अवेलेबल है। और पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए, और जैसे पशु वगैरह जो जानवर छोड़ देते हैं लोग, तो वो नारकंडा में बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए रहना। तो वो क्या करते हैं, गांव जो जहाँ पे बर्फ़बारी कम होती है वहाँ की तरफ रुख करना शुरू कर देते हैं। तो लोगों से ये निवेदन है कि प्लीज़ जानवरों को ना छोड़ें, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को भी ऐसा सर्वाइव करना मौसम में। तो क्योंकि आप देख ही पा रहे हो कि कितनी सर्दी है यहाँ पे, बर्फ़बारी तो है ही है, पर यहाँ पे कोई भी सा भी मौसम हो सर्दी रहती है हमेशा। तो पशुओं को ना छोड़ें, हो सके तो किसी ऐसे गौशाला में छोड़ दें जहाँ पे आप 1-2 हज़ार रुपये देगा देकर उनका जो खाना खाने का है, जैसे घास का है और जो होती है चोकर वगैरह उनको खाने के लिए, उसका इंतज़ाम के लिए भी पैसे साथ में दें। जब आपने सारी उम्र उनका उतना दूध पिया होता है तो आप अगर 2-3 हज़ार रुपये दे देते हो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो टॉपिक चला था, ये देखिए बेटा यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है, मुँह से एक्चुअली भाप निकल रही थी सर्दी करके, तो एक्टिंग कर रहा था कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ। तो ये बैड हैबिट्स होती है, वैसे एक्टिंग भी नहीं करनी चाहिए। पर ये देखिए यहाँ पर ये माता रानी का मंदिर है नारकंडा में। यहाँ पे जब भी आते हैं हम लोग तो यहाँ शीश नवाते हैं, हम ही नहीं जितने भी यहाँ के लोकल लोग होते हैं वो शीश नवाते हैं माता रानी के पास, क्योंकि पहाड़ों में अपने देवी देवताओं के ऊपर काफ़ी आस्था है लोगों की। और बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा था बर्फ़ में, और हमेशा मैं वीडियो में ये बोलती हूँ कि व्यू बहुत सुंदर लगता है देखने में, बट जब इसको फेस करना पड़ता है बर्फ़बारी को और बहुत ज़्यादा बरसातें जब होती है, तो वो सबसे ज़्यादा डराने वाला डरावना दृश्य होता है। क्योंकि बर्फ़ में जब गाड़ी स्किट होती है ना, मतलब जान ऐसे हाथ में होती है कि बस कुछ हो ना जाए गलत। पर भगवान सबको ठीक रखें, और हम भी माता रानी की मेहर की वजह से सेफली पहुंच गए हैं यहाँ पर। मतलब सारे रास्ते में ना हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते आ रहे थे। मैंने कुछ जगह वीडियो भी शूट किया, पर जहाँ मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी वहाँ पर गायत्री मंत्र पढ़ रही थी। और मैं फाइनली घर पर पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पर हस्बैंड को बोला थोड़ा सा वीडियो शूट कर दो कि मैं घर पहुँच चुकी हूँ और चुकी हूँ कि और घर पे कुकिंग हो रही है। तो मम्मी को मैंने आज रेस्ट दिया कि मम्मी आप बैठ जाओ, क्योंकि उन्होंने सब्जी वगैरह बना ली थी। तो ये आज का मेरा वीडियो था, बस ये है आपसे रिक्वेस्ट कि आप जब भी हिल स्टेशन में घूमने आते हो तो सेफली आए, पूरे कपड़े साथ में लेके आए, गर्म कपड़े गर्म जूते पहन के आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और यहाँ पे कर रहा है बेटा एक्टिंग, एक पहाड़ी नाटक होता है उसकी एक्टिंग कर रहा है। और हस्बैंड आज रेस्ट पे बिल्कुल बैठ गए कि आज 5-6 दिन जब तक तू है पूरा घर का काम संभालेगी। और मम्मी पापा सब हॉल में बैठे थे, मैं उनके पास चली गई हूँ बाहर खाना खुना खाने के बाद, थोड़ी उनके साथ गॉसिप्स करने। और हस्बैंड बैठ गए यहाँ पर कि मैं तो रजाई में बैठूँगा, हीटर नहीं सेकूँगा अभी, तो ये बैठे हैं वहाँ पर रेस्ट करने के लिए। और बेटा जैसे 2-3 महीनों बाद घर गया था, वो भी इंजॉय कर रहा है अपने दादू दादी के साथ। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, कैसा आपको लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सर्दी से बच के रहिएगा, कोरोना से बच के रहिएगा, थोड़ा काढ़ा पीजिए, पानी पीजिए और फ्रूट्स खाइए, और अच्छी अच्छी चीज़ें घर पे बनाइए। क्योंकि विंटर वाला मौसम, हमारे बोलते हैं जो विंटर वाला मौसम होता है ना, उसमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप लोग इंजॉय कीजिए, और मैं भी अपने घर में इंजॉय करती हूँ अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना।